प्रेजेंट और फ्यूचर ही है। और आई थिंक बहुत सही है कि अभी डिजिटली भी मूवीज रिलीज हो रही है और टेलीविजन शोज वगैरह सब आ रहे हैं डिजिटली, तो अच्छा ही है डिजिटल। और फिर इस प्रोजेक्ट के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं आप, कोई बातें? वो सब एक तो यही है, बाकी सब सीक्रेट है, ये भी सीक्रेट है। सर आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट है, स्पेन की बात हो रही है और कई बार फिल्म, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना स्पेशल हो रही है प्रोजेक्ट आपके लिए? तो इंडो स्पेनिश कर रहा हूँ, मैं स्पेनिश कंपनी से हूँ, बिजनेस मैन से हूँ। तो मैं जब यहाँ ये प्रोजेक्ट करने स्टार्ट किया तो बहुत टेंशन भी आई, बहुत लोगों के साथ बैठा, यहाँ पर अपनी लोग जेन्युइन मिलते हैं, कुछ लोग नहीं मिलते जेन्युइन, प्रॉब्लम्स ही होती हैं। बट ये प्रोजेक्ट हम लोग बहुत एक ड्रीम होता है, ड्रीम की तरह इस प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ। इसमें स्पेनिश कुछ स्पेनिश एक्टर्स हैं, कुछ इंडियन एक्टर्स हैं, और इस गाने में एक स्पेनिश ने गाया और इंडियन ने गाया मिक्स, तो बहुत कुछ हम नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई कहते हॉरर, मतलब मैं हॉरर में भी 3D एक नया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3D में भी हट के कुछ करना चाह रहा हूँ यार। तो ये फिल्म का शूट कब होने वाला है, कहाँ होने, कैसे, मतलब कब तक कर देता है? मैं रिलीज दिवाली के आसपास ही कर रहा हूँ शूट की बात, मतलब रिलीज की बात करूँ। आप पहले इंट्रोडक्शन तो लीजिए, है कौन वो? हाँ सर, आप मैं गौरव सर, सर की सर की फिल्म का EP हूँ और क्रिएटिव भी हैंडल कर रहा हूँ। बिकॉज बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आए गए और मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, और जब रिसेंटली ज्वाइन किया तो मेरी आई थिंक फर्स्ट मीटिंग पे ही मेरी मेरे को गाना सुनाया गया जो उन्होंने अरेंज किया था मुझे, तो मतलब बैट तो लेन की यार ये गाना बहुत ही खास है और आई थिंक इज़ द बेस्ट जो साथ में करें। तो 3 डिफरेंट वर्सेज के लिए हम ढूंढ रहे थे, ऐसे स्ट्रीम किया ये बिकॉज सारी के फॉल्स अल्लाह भी पूछा हूँ। और जब स्क्रिप्ट जब मैंने पूरी गो थ्रू की तो आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि ये हॉरर कम रोमांस आपको लगेगा रोमांटिक है, फिर हॉरर, फिर लगेगा आपको थ्रिलर है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, बट एक्चुअली आपको पकड़ के बैठेगी फिल्म। और बाकी दिवाली तक वेट करिए और ये गाना आपको पता लग जाएगा जल्दी जल्दी कि ये फिल्म क्या है। इस गाने में ज़्यादा मेहनत और छोटी बात है, कॉन्ट्रोवर्सी मैं नहीं कहना चाह रहा, बट मैं इस फिल्म में पाकिस्तान सिंगरों से गाना गवा रहा हूँ। इस वेरी फिल्म हम वो गाना रिकॉर्ड करने शायद दुबई जाएंगे, शायद 1-2 दिन में दुबई जाने वाले हैं, और बिगेस्ट सिंगर मेरे पाकिस्तान से मेरी फिल्म का गाना गा रहे हैं और प्रमोशन भी बहुत अच्छी रूपये से कर रहे हैं। शायद आप पाकिस्तान अभी कुछ हफ्ते पहले, एक हफ्ते पहले पाकिस्तान मीडिया में मेरी फिल्म का नाम और फिल्म का बहुत ज़्यादा कुछ पाकिस्तान मीडिया में बहुत उछला है, आप चौक चेक कर सकते हो। और मैं कॉन्ट्रोवर्सी के लिए नहीं बोला, बट इसे जो है वो है। सर कौन सा सिंगर होगा पाकिस्तान का, मतलब उसका नाम बता? मैं बवाल नहीं जा रहा है अभी। स्टार कास्ट क्या होंगे? स्टार कास्ट भी अभी थोड़ा सा एक रिवील कर दें, नॉर्मल कास्ट है, नोन सेमी नोन सब हैं और फ्रेश भी हैं, बट वी कांट रिवील स्टार कास्ट राइट नाउ। हाँ जल्दी से जल्दी एज पर स्टेज हमारी जो चीज़ें चल रही हैं वो रिवील हो जाएंगी। जैसे अभी आपने देखा गाना रिकॉर्डिंग हुआ, तो ऐसे धीरे धीरे हम सरप्राइजेस के साथ आएंगे डेफिनेटली। सर अपना इंट्रोडक्शन? मेरे भाई की मूवी है, सो आई एम नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री एक्चुअली, बट आई रियली एंजॉय इट। अरे वाह, यू एंजॉय द प्रोसेस। आपने बारे सर मेरे लिए आर्टिस्ट सब एक ही है, ग्रेट, और सभी अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा गा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हर कंट्री का टैलेंट सब लोगों तक पहुँचे, मैं ये कोशिश है। और इस गाने के बारे में ये कहना चाहूँगा कि स्पेनिश सॉन्ग जो है, स्पेनिश हिंदी सॉन्ग, इसमें 3 सिंगर्स हैं, तो मेरे ब्रदर नकाश ने गाया है और भी बैनी दयाल भी इसमें गाए, प्लेबैक करेंगे, प्लस शाश्वत सिंह वो भी करने वाले हैं 3rd मेल, और एक गायत्री जो LA से बहुत अच्छी स्पेनिश सिंगर है, उन्होंने इसमें गाया है। सो आई एम श्योर ये गाना आप सबको बहुत पसंद है। तो नकाशी जो गाने हैं उसे गाने के दो बोल, स्पेनिश का तो मेरे को पार्ट नहीं पता है। सारी दीवाने हैं हम भी तेरे दुल्हन। इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक आया Thank you.
ये मेरा मतलब, मेरा मतलब, मेरा मतलब। के बारे में कि आज स्ट्रॉन्ग रिकॉर्डिंग निकाल जैसे मशहूर गायक आया और क्या कहना चाहेंगे कि इस गाने के बारे में कि किस तरह से फिल्म को प्रभावित करेंगे गाना? यार मैं चाहता हूँ ये गाना कुछ नयापन लेके आए और हम चाहते थे कि क्योंकि स्पेनिश और इंडियन कुछ अलग कलेक्शन है हमारा स्पेनिश के साथ हमारा, क्योंकि वह बहुत सारे फेस्टिवल हम लोग इंडियन बनाते हैं हमारे और वो लोग 80% हमारे कल्चर कॉपी करते हैं 80% और उनकी खुद की फिल्में इतनी नहीं चलती थी, इंडियन फिल्में हमारी वहाँ चलती हैं, तो इसलिए मैं सोचा था कि क्योंकि सेम पिक्चर को मैं स्पेनिश लैंग्वेज में रिलीज करने जा रहा हूँ, इंग्लिश और स्पेनिश को सेम, बस ये रहा कि नया चीज़ कुछ लाएँ और जिसमें मेरी हेल्प दिलशाद ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी, जो मेरी सोच थी वो उतारी उसने पूरी पूरी सॉन्ग के अंदर। तो सर आपसे हम लोग म्यूजिक दे रहे फिल्म में, किस तरह से आप लोगों का सोच है वो मेकिंग में फिल्म के म्यूजिक को लेकर? सर म्यूजिक तो ऐसा है कि विक्रम सर ने मुझे कुछ अपने थोड़ा ब्रीफ दिया फिल्म के बारे में, उन्होंने बताया और कि भाई स्पेन में शूट हो रहा है और उन्होंने कहा कि भाई स्पेनिश और हिंदी कॉम्बिनेशन का एक उन्हें गाना चाहिए, तो मैं बस मैंने काफ़ी रिसर्च किया, स्पेनिश गाने काफ़ी सुने और फिर देन कम आउट विद दिस सॉन्ग। आई एम हैप्पी कि आप सबको इनको सबको अच्छा लगा गाना और इसमें 3 सिंगर्स हैं बल्कि इनफैक्ट 4 सिंगर्स हैं, एक एलए से गायत्री है जिन्होंने स्पेनिश में गाया है, नकाश ने इस पर प्लेबैक किया है, बेनी दयाल काफ़ी फेमस सिंगर हैं वो भी गाने वाले हैं अभी, शाश्वत एक और जो रहमान मिस्टर ए आर रहमान के लिए बहुत गाने गा चुके हैं तो वो भी प्लेबैक करेंगे और मैं प्राउडली कहना चाहता हूँ कि मैं रहमान सर का असिस्टेंट हूँ, इनके लिए काफ़ी मैंने काम किया काफ़ी फिल्मों में, मॉम, तमाशा, अभी बियॉन्ड द क्लाउड्स आ रही है और मोहम्मद आई थी, मजीद मजीदी की, ये भी मजीद मजीदी की फिल्म थी बियॉन्ड द क्लाउड्स रिलीज़ होने वाली है, तो इस सब में मैं असिस्ट किया है म्यूजिक, सो आई एम ग्लैड कि मैं इनके लिए काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला इस प्रोजेक्ट पे काम करने का और क्या करना है? मैं कुछ रियलिटी कुछ करना चाहता था स्पेन के, इंडियन और स्पेन को मिला के, कि कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे जो बहुत रियलिटी है, तो उसी हिसाब से स्टोरी लिखी गई, उसी हिसाब से मेहनत की गई, स्टोरी में गौरव ने बहुत साथ दिया, मेरी डायरेक्शन टीम ने बहुत साथ दिया, तो उसी हिसाब से स्टोरी की गई कि यार कुछ नया बन चाहिए था कि भीड़ में खड़ा होना पसंद नहीं है, तो नया ही कुछ करना चाह रहा था मैं हॉरर को लेके, वो प्लान था सिर्फ सारा। अब ये कहना चाहूँगा कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था उसको आपने अपहोल्ड कर दिया, क्या रीज़न था और क्या कहना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा आपके लिए सेटबैक था या कितना बड़ा अभी आपके लिए ड्रीम? मतलब ड्रीम के बारे में पूछे बिना मानेंगे नहीं आप, गलत यार क्यों कंट्रोवर्सी में फंसा रहे हो। ड्रीम मतलब मैंने एक नॉन हीरोइन को साइन किया हुआ है ऑलरेडी, कुछ ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट रेडी है, मैं शूट के प्लान में भी था और मेरी दुबई शूट थी, मेरी साउथ अफ्रीका शूट थी, इंडिया शूट था मेरा, कुछ सम रीजंस कुछ ऐसे रीजंस हो जिसके लिए मैं प्रोजेक्ट थोड़ा सा रुकना पड़ा, शायद मैं फर्स्ट टाइम ड्रीम के बारे में बोल रहा हूँ और फर्स्ट टाइम मीडिया के बारे में मीडिया से बात कर रहा हूँ, पर आई श्योर वो फिल्म बनेगी और ज़रूर बनेगी कि उसकी प्रेडी है उसकी, और ऑलमोस्ट 80% मेरा सारा काम खत्म हुआ, जस्ट टाइम गो टू द शूट, मैं शूटिंग इस फिल्म की बात करना चाह रहा हूँ फिल्म को भी, इस साल की शायद मैं 3 फिल्में की मेरा प्लान आउट है, एक ड्रीम, डेविन पैलेस और एक फिल्म और आ रही है मेरी जिसका नाम है आमीन, 3 फिल्में इसके बाद मैं ड्रीम करूँगा, डेट शो ड्रीम करूँगा। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो आपका सपना था फिल्म बनाने फिल्म मेकिंग में है, क्या कहना चाहेंगे कि सबसे स्पेशल प्रोजेक्ट कौन सा है और कौन सपोर्ट कर रहे हैं, कितने जो लोग हैं किन उनके बारे में अगर क्रेडिट देना चाहेंगे, किनको उनको क्रेडिट देना चाहेंगे इस बारे में? सब सबने बड़ा सपोर्ट किया यार, जैसे सबने बहुत किया, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने का सपोर्ट नहीं, सबने ऑलमोस्ट सबने बहुत प्यार दिया, सबने सपोर्ट दिया, हाँ सब कुछ होता है, कुछ रीजंस होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं, कुछ बुरे लोग भी मिलते हैं, ऐसा है। सर आपसे अगर मैं स्टोरी लिखा आपने फिल्म क्या कहना चाहेंगे? कंटेंट को मायने रखता है इसलिए तो स्टोरी चेंज की गई है, और दूसरा इंडो स्पेन के अंदर हमें डाला था बिकॉज वी आर शूटिंग वी विल शूट इन होल फिल्म इन स्पेन ओनली, तो लोकेशंस कमाल है जो शायद मेरे ख्याल से अभी तक अपने इंडिया में देखे भी नहीं है, और आई थिंक मैड्रिड वगैरह जैसी और बार्सिलोना में बहुत कम में देखा होगा आपने,
But in this film, locations will get find a very very beautiful. और दूसरा क्या है इस ये फिल्म ना पूरी फिल्म हॉरर बेस्ड नहीं है, रोम कॉम बेस्ड है. और आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने बोला ना कि ये बीच से बहुत जल्द हुआ है सब चीज़ें बताना, धीरे धीरे एक स्टेप के साथ में सब बताएंगे. अभी आज गाना रिकॉर्ड हुआ है और आई थिंक धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों से इंटरेक्शन होगा वैसे जैसे थोड़ी चीज़ें बता. सवर का फल मीठा होता है भाई. नया कुछ लाइक नया हम भी जाते कि नया कुछ होगा आपने तो वो दिव्या भारती के लाइफ पे थी, तो क्या ये सही बात है और क्या कहना चाहेंगे कि क्या चैलेंजेस फेस किया या कोई ऐसी बात है जिसके कारण आपने वो प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया? और रिलीज की बात करें तो कब रिलीज होगी ये फिल्म? नहीं ऐसा नहीं, प्रोजेक्ट मैंने बंद नहीं किया. और ये मैं फर्स्ट टाइम से मैं मीडिया से बात करता आ रहा हूँ. और फर्स्ट टाइम भी कहा था कि मेरी एक स्टोरी एक लड़की की है जो बहुत कम उम्र में इंडस्ट्री में आई और आगे सडनली चली गई. बस ये स्टोरी है, इससे आपको और कुछ नहीं बोल सकता. और नेक्स्ट ईयर फिल्म रिलीज करूँगा उसको ड्रीम को. और इस साल शूट का प्लान भी है मेरा फिल्म को ड्रीम को लेकर 100% शूट करूँगा. क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? मैं पहले इस पूरी टीम को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ. ये गाना बहुत अच्छा है क्योंकि दिलशाद मेरा सबसे बहुत पुराना और बहुत करीब दोस्त है, क्योंकि हम लोगों ने रहमान सर के साथ बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं और सालों से हम करते आए हैं. तो दिलशाद ने पहली बार अप्रोच किया कि मैं गाना कर रहा हूँ बेनी, प्लीज़ मेरे लिए गा दो. ये तीन लड़कों का एक यू नो एक स्पैनिश टाइप का एक गाना है. तो मैंने सोचा हाँ चलो. और इन्होंने बताया कि शाश्वत और नकाश भी गा रहे हैं तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि दोनों मेरे दोस्त ही हैं. तो ऐसा हो जाए तो अच्छा है, इट्स बेटर देन सोलो गाना मिल जाए. कभी कभी दोस्तों के साथ गाना ही सबसे अच्छा अनुभव होता है. तो यूनिकनेस क्या इस गाने के जो बोल हैं इसमें, यूनिकनेस क्या नजर आ रहा है? स्पैनिश ड्रिवन एक गाना है एंड देयर इज अ फीमेल वॉइस बाय गायत्री, ब्यूटीफुल सिंगर. वो एलए से हैं जी, वो एलए से हैं और बहुत अच्छी गाती है और पूरा स्पैनिश में गाई है एंड हम लोगों ने हिंदी में. बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगा कि बैनी दया इतनी बड़ा नाम है, मतलब संगीत जगत में क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड की बात है आपके प्रोड्यूसर से जुड़ रहे हैं और इस गाने को गा रहे हैं? यार मेरे लिए मेरे दोस्त गाना गा रहे हैं और जो एक बेस्ट सिंगर है. ऐसा कुछ नहीं है, बेस्ट सिंगर है उसके नो वर्ड्स. मतलब उनकी तारे में कुछ बोला जाए तो मुझे लगता है वर्ड कम पड़ जाएंगे. सर ऐसा कुछ नहीं है सर. फिर क्या कहना चाहेंगे कि आजकल नए नए ट्रैक आ रहे हैं, मतलब लिरिक्स में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, कितनी अच्छी बात है ये, कितनी पॉजिटिव? सबसे अच्छी बात है ना, देखिए ये हमें सब यही इच्छा है कि हमारी इंडस्ट्री और आगे बढ़े. बहुत सारी फॉर्मेट्स आ चुके हैं और लोग अब सारे के फॉर्मेट्स के लिए वो पिक्चर बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे माध्यम हैं आजकल. तो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं सब लोग. तो यू नो इट इज़ अवेलेबल फॉर एवरीबडी, तो किया जाए. अभी अच्छा एक समय आ गया कि ढेर सारी चीज़ों को हमें बिना प्रेशर के हम किया जा सकता है और इट इज़ अ गुड थिंग. हमें आगे बढ़ना चाहिए. डिजिटल अभी प्लेटफॉर्म बहुत आगे आ चुका है एंड इट इज़ इन द फोरफ्रंट एंड ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि सिनीप्लेक्स और डिजिटल सारे के सारे कॉम्बिनेशन में इतना अच्छा पिक्चरें चल रही हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है. और वैसे ये भी कहना चाहूँगा कि मतलब बॉलीवुड जो वर्ड है, कोई भी एस्पायरिंग एक्टर आता है या आर्टिस्ट आता है, सिंगर आता है, उनको बॉलीवुड का क्रेज काफ़ी होता है. तो क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक कितना ज़्यादा फ्लरिश किया है या इंडिपेंडेंट म्यूजिक में कैरियर बनाना कितना ज़्यादा स्टेबल है? सर देखिए म्यूजिक मेरे लिए सब कुछ एक ही है. ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड म्यूजिक अलग होता है और संगीत संगीत ही होता है. अगर आप वेस्टर्न म्यूजिक लो और हिंदुस्तानी संगीत भी, हिंदुस्तानी म्यूजिक भी आप ले लीजिएगा, दोनों में सिर्फ 700 ही हैं, 700 बस हो गया. उसी का कॉम्बिनेशन है सारे के सारे गाने. और फिर दिल की बात बोलना, ये नाचने वाली बात बोलना, दुख की बात बोलना, ना सब कुछ ये अलग अलग सा फॉर्मेट हो जाता है. बट म्यूजिक इज़ म्यूजिक फॉर मी, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. इसलिए मैं सब कुछ करता रहता हूँ. मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे यही करना है, मुझे सिर्फ म्यूजिक करना है मरते दम तक बस. हाँ सर मैं ऐसे रिवील नहीं करता. आज इस साल मैंने रेजोल्यूशन लिया कि मैं स्टेल्थ मोड में चल रहा हूँ. अभी अभी रिलीज हुआ है हिचकी, रानी मैम की मूवी हिचकी, उसमें मैंने एक गाना गाया मैडम जी, जसलीन रॉयल की म्यूजिक में, यशराज पिक्चर्स. आने के बाद बताऊंगा यार, सूर्य चढ़ता सबको पता लगता है, सूर्य चढ़ गया अब नया नया क्या बोला जाए उसके लिए. हाँ बस हम अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, जितना हम लोग चाह रहे हैं उतना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं.
बाकी आप लोगों के ऊपर आप कितना प्यार देते हैं, इस बंदे ने पूरे दिन रात एक करके म्यूजिक में जोड़ा और हर बंदे को उसने जोड़ा है, और जो स्पेनिश गाना हिंदी में लिखा हो इस शख्स ने लिखा है। तो ये आपसे स्पेनिश वर्जन मैंने नहीं लिखा है, मैंने हिंदी वर्जन लिखा है, और डेफिनेटली द स्पेनिश थिंग इज गिवन इट एन एज, तो उसको वो इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएगा, बट हिंदी है तो डेफिनेटली समझ में तो आएगा सब इंडियंस को भी, और आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग। जैसे इस गाने कर रहे हैं, वी हैव अ स्कूल डांसर स्पेनिश, एक मैम शूटिंग फॉर द वेला डॉरिट फॉर द स्पेन, मैड्रिड से 200-250 किलोमीटर दूर है वेला डॉरिट जहाँ मैं शूट कर रहा हूँ, वहाँ स्कूल की डांसर्स अलग अलग विलेज से मैंने इकट्ठी की हैं, समथिंग इज 350 के आसपास डांसर्स इस गाने में मैं शूट कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल पूरा स्पेनिश, इंडियन और स्पेनिश को मिक्स करके। मैंने कंपोज किया है, बाकी जान तीनों सिंगर्स हाँ, ने चारों सिंगर शाश्वत मैं और शाश्वत इज आल्सो वन ऑफ द सिंगर्स, तीनों ने गाया सॉन्ग बेनी और नकाश, तीनों ने इतना अच्छा गाया, और प्लस गायत्री द स्पेनिश में जो गाया है तो इट्स अमेजिंग, आई थिंक वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अच्छी नया रिकॉर्ड है यार। जी हाँ बिल्कुल, और जहाँ तक मुझे लगता है कि गाना रिकॉर्ड तोड़ेगा, 100% तोड़ेगा। बाय द वे हरगुन को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँ, शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो, और बहुत अच्छा लिखती भी हैं, जो आपने स्पेनिश गाना सुना है। जो है वो किसी भी गाने की आत्मा है, सो जब मैं बचपन से गाती हूँ तो इट हैज ऑलवेज बीन कि मुझे बचपन से सिखाया गया कि आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट द लिरिक्स आर सेइंग, तो वो पढ़ पढ़ के सुन सुन के, एंड आई हैड दिस इंस्टिंक्ट थोड़ा थोड़ा इन बॉर्न, और सबसे मेरे मम्मा पापा दे आर क्वाइट एविड यू नो रीडर्स, तो उसके बाद से आई स्टार्टेड राइटिंग एंड दैट्स हाउ। As a singer, as a lyrics writer, as both, I want to take them like parallel. बात करें तो जो ये जो प्रोजेक्ट है कितना चैलेंजिंग, कितना रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि जैसा है कि किसी इंडिविजुअल के लाइफ के बारे में, या फिर तो क्या कहना चाहिए इस बारे में? नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं किसी की लाइफ के ऊपर स्टोरी है, वो मेरा खुद का ड्रीम है, बाकी डर की बात डरता तो मैं किसी से भी नहीं हूँ, और रही बात वो पिक्चर बनी नहीं बनी, मतलब पिक्चर तो 100% बनेगी, वो उसको तो कोई शायद कोई रोक भी नहीं सकता, 100% नेक्स्ट ईयर मैं उसको रिलीज़ करूँगा फिल्म को, और इस साल उसकी शूटिंग स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इस साल इस फिल्म के बाद उसका म्यूज़िक स्टार्ट होने वाला है थोड़े दिन तक, उसका म्यूज़िक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ड्रीम का, और 100% वो शूट जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आमिनिक एक ऐसा कंट्रोवर्सी प्रोजेक्ट है कि 1984 के ऊपर मैं फिल्म बना रहा हूँ, 1984 फिल्में बहुत सारी बनी भी हैं, बट हटके कुछ है वो फिल्म का, क्योंकि मैं कुछ सदार हूँ पूरे संधु, क्योंकि आज भी उस हमारे को वो मतलब जस्टिफाई नहीं मिला 1984 के लिए, सरदार को जिंदा जलाया गया, दिल्ली में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, और जम्मू में क्या हुआ, जम्मू में तो शरेआम मतलब गुरुद्वारे को आग लगा दी गई थी, मैं उस चीज़ को रियलिटी में लेके आना चाह रहा हूँ, और रियलिटी में उस प्रोजेक्ट को लेके आना चाह रहा हूँ, इसलिए टैकल मैंने बड़ा सोच समझ के रखा आमीन, क्योंकि उस मुद्दे पर 90% सरदारों के साथ मुस्लिम लोग खड़े हुए थे, सब लोग ये बोलते हैं कि यार मुस्लिम सरदारों के बहुत पीढ़ियों से आपस में जंगें होती आई हैं, पर उस टाइम पे मेरे ख्याल से जो लोग निज़ामुद्दीन दरगाह में चले गए थे
तो लड़कियाँ चली गई थी उनकी दरगाह के अंदर चली गई, तो जितना सपोर्ट शायद उन्होंने उन्हें नहीं किया है उन्हें, बाकी किसी ने शायद उतना सपोर्ट नहीं किया था। और एक फिल्म का आमिन का मेरा गाना ऑलरेडी मैं एक निजामिन दरगाह पर शूट कर रहा हूँ, इससे मैं रिलीवल नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी कंट्रोवर्सी फिल्म है। और मैं इस साल जुलाई के आसपास की फिल्म मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जम्मू में, दिल्ली में, और शूट है मेरा से क्योंकि फिल्म ऑलरेडी स्क्रिप्ट रेडी है उसकी, इसकी खत्म होते हम लोग उसकी शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आमिर में कितना रिस्पेक्ट इन्वॉल्व है आपको लगता है? हाँ, शायद हो सकता है कि यार फोन बहुत आया, फिल्म बनने नहीं दिए जा सके, फिल्म रोकी जाए या कुछ भी हो जाए। इस फिल्म को मैं किसी सरकार के ऊपर थॉमस नहीं कर रहा हूँ कि ये क्या किसी सरकार के ऊपर भी कि सरकार ने ऐसा किया, ये सरकार अच्छी है वो, मैं किसी एक फिल्म में फिल्म बन रही है, एक रियलिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रियलिटी भी बनाऊंगा। सरकार के बारे में कुछ भी बोलना चाह रहा, बस जिसने भी किया जिन्होंने किया वो हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, और उससे क्या बोला जा सकता है। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट, एंड दैट इज द रीजन आवर क्लाइंट्स do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, is par kuch roshni daliye. Roshni leader ke sath apne aap chalti hai, aur hum kya roshni dalenge uske upar. Ek bahut hi acha vishay hai is film ka, mahilaon ke prati jo hai samaj mein aajkal और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।